नमस्कार दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा रेलवे जेई की वैकेंसी निकाली थी, उसका सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अभी हाल ही में सबसे पहले आरआरबी तिरुवनंतपुरम ने डाल दिया है, 2000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया है सीबीटी 2 के लिए, और सीबीटी 2 28/8 को से प्रारंभ होकर 31/8 तक चलेगा। दोस्तों आइए देखते हैं सीबीटी 2 के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों सीबीटी 2 150 मार्क्स का होगा, जिसमें जीए एक 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, फिजिक्स और केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, कंप्यूटर आएगा इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, इन्वायरमेंट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और टेक्निकल जिस टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री आपके पास है उससे आपके 100 क्वेश्चन होंगे। मान लीजिए आपने सीएमए के लिए क्वालिफाई किया है सीबीटी फर्स्ट, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है 100 क्वेश्चन होंगे, या मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो इलेक्ट्रीशियन से अगर डिप्लोमा किया तो इलेक्ट्रीशियन के आपको 100 क्वेश्चन होंगे, अगर आपने मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन आपके होंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। दोस्तों सीबीटी फर्स्ट मई लास्ट और जून फर्स्ट वीक में आरआरबी द्वारा आयोजित किया गया था। टोटल जो पोस्ट थी जेई की 12,872, डीएमएमएस की 227 और सीएमए की 387 पोस्ट थी। टोटल 13,487 पोस्ट के लिए परीक्षा कराई गई थी। अभी हाल ही में तुरंत आरआरबी तिरुवनंतपुरम ने अपनी साइट पर अपडेट किया है, जिसमें सीबीटी 2 की डेट डाली है 28/8/2019 से 31/8/2019 तक। टोटल जो कैंडिडेट पास किए हैं वो 2000 कैंडिडेट पास किए हैं तिरुवनंतपुरम ने डाल दिया है, बाकी शाम तक सभी बोर्ड की रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और इसने कट ऑफ भी डाली है, आरआरबी तिरुवनंतपुरम ने नीचे कट ऑफ डाली है। तो दोस्तों आरआरबी तिरुवनंतपुरम ने जो अपनी साइट पे कट ऑफ डाली है नीचे, 2000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है सीबीटी 2 के लिए, और कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, कैटेगरी 3 की जनरल की कट ऑफ गई है 59.45082, और एससी की गई है 36.54512, एसटी की गई है 26.62063, ओबीसी की गई है 51.84785, और ईएसएम की गई है 31.18631। इसी तरह से कैटेगरी 12, कैटेगरी 12 की गई है 61.48022, एससी की गई है कैटेगरी 12 की 33.65626, एसटी की गई है 51.99855, ओबीसी की गई है 53.38862, कैटेगरी 15 की गई है 72.35133, एससी की गई है 58.25061, एसटी की 25.80323, ओबीसी की 71.04577, और ईएसएम की 49.93888। इसी तरह से कैटेगरी 17 की 76.18321, जनरल की एससी एसटी ओबीसी में कोई कट ऑफ नहीं गई है, कोई वैकेंसी नहीं थी ऐसी। 40 कैटेगरी 40 की 72.33019, कैटेगरी 44 की 76.59590, कैटेगरी 53 की 73.40890, जनरल की और एससी की 54.36595, कैटेगरी 63 की जनरल की 74.59501, एससी की 52.72000, एसटी की 25.46379, ओबीसी की 70.05746, और ईएसएम की 37.09314। ऐसे ही कैटेगरी 64 की 72.87135, एससी की 51.62, और एसटी की 26.59637, ओबीसी की 69.79490 गई है कट ऑफ। ये कट ऑफ आरआरबी तिरुवनंतपुरम की साइड में रिजल्ट वाली पीडीएफ में नीचे दी हुई है। दोस्तों शाम तक सभी बोर्ड के रिजल्ट
साइट पे प्रदर्शित हो जाएंगे। आप लोग जो है तैयारी में, सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाइए। एग्ज़ाम की डेट इन्होंने आरआरबी ने दे रखी है 28 से जो है सीबीटी 2 स्टार्ट है, समय बहुत कम है सीबीटी 2 के लिए, तो आप लोग लग जाइए। शाम तक सभी बोर्ड के रिज़ल्ट आ जाएंगे। 20 गुना कैंडिडेट को पास किया गया है, 20 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए, तो इसलिए आप जो है लग जाइए, अभी से जुट जाइए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।